खबरों में बात अब सीएम योगी आदित्यनाथ की करेंगे। विजयदशमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना की है। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए देशवासियों को भी इसकी शुभकामनाएं दी थी और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। तो बीते दिन भी आपने तस्वीर देखा था जब नवमी पर उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे और मातृशक्ति की आराधना की और आज की तस्वीर देखिए गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने सुबह सवेरे पूजा अर्चना विधि विधान के साथ वो करते नजर आए। और विजयदशमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को भी दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना करते आरती करते नजर आ रहे हैं। अब इन चार तस्वीरों के जरिए देखिए विजय पर्व किस तरह से देश भर में धूमधाम से मना है। सबसे पहले नागपुर की तस्वीर देखिए आप, सर संचालक मोहन भागवत यहाँ पर मौजूद नजर आए और स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया। और दूसरी तस्वीर देखिए जोधपुर से, यहाँ पर भी विशेष पूजा अर्चना की गई और साथ ही साथ आप तस्वीर देख रहे शस्त्र पूजा यहाँ पर की गई। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर निकलकर सामने आई, माता रानी की आरती करते नजर आए, विधि विधान के साथ उन्होंने विजय पर्व को मनाया है। और दार्जिलिंग से तस्वीर और अभी आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सुना था, तमाम बातों का वो जिक्र करते नजर आए थे और विजयदशमी पर उन्होंने भी जवानों संग पूजा अर्चना की, शस्त्र पूजा की, टैंक की पूजा की और दार्जिलिंग रक्षा मंत्री की मौजूदगी नजर आई। अब इन छह तस्वीरों के जरिए देखिए देश भर में किस तरह से विजयदशमी की धूम है। नागपुर महाराष्ट्र की तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं, आरएसएस का दशहरा उत्सव की तस्वीर है। पुलिस अधिकारियों ने रायपुर और छत्तीसगढ़ में शस्त्र पूजा की और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पूजा अर्चना करते हुए। तो दिल्ली की तस्वीर देखिए, दिल्ली में भी द्वारका में 200 फुट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की तस्वीर जहां जवानों संग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरा को सेलिब्रेट किया है। और झारखंड की रांची की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, विजयदशमी की तैयारी यहां पर भी की गई है और आज रावण का पुतला दहन किया जाएगा और जिसका संदेश ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से आज दशहरा पर्व का पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है। और आज के दिन की तस्वीर बेहद खूबसूरत क्योंकि अलग अलग जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम है, ऐसे में विजयादशमी को लेकर साथ ही साथ शस्त्र पूजा के भी विशेष महत्व माना जाता है, जो करते आज तमाम जो दिग्गज हैं वो भी नजर आए। तो विजयदशमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और इससे पहले आपने तस्वीर देखा था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग पहुंचे थे, सेना के जवानों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की और साफ उन्होंने कहा कि भारत पर आंच बर्दाश्त नहीं। तो इन तमाम बातों का जिक्र तमाम दिग्गज करते नजर आए। तो विजयदशमी की धूम हर तरफ नजर आई।